मैंने आपको जैसे कि यार बताया था, कुछ ना कुछ तो देखने को मिल ही जाएगा यार। तो यार हवा किन्नी के एंड जा रही है ना, कितना वधिया मौसम है यार, मतलब मजा आ गया यार। तेरा क्यों मूड है, उदास वैसे सा क्यों लग रहा है? झरना देख के याद आ गया कुछ। ओ जेड़ा हाल मेरे नाल कुड़े करके गई है तेरे उत्ते साली लिखनी किताब बनदी। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी आप की तरह बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, कल की तरह आज फिर से है मेरे साथ कौशल और मैं आपको लेकर आया हूँ ऐसी जगह चंडीगढ़ में जो कि आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा और बहुत ही सुहावनी जगह है। यहाँ पे आके थोड़ा सा मैं जो टेम्परेचर मेरा हाई हो चुका था, थोड़ा सा यहाँ पे आके लो हो चुका है। ये ऐसी ठंडी सी जगह है दोस्तों। यह है सेक्टर 38 में धनास के बिल्कुल जस्ट पास। यह है चंडीगढ़ की तीसरी लेक। तो इसके बारे में कौशल जी आपका क्या कहना है? देखो, पहली गल तो तुसी तीसरी लेक सुन के कई बंदे शौक होंगे जिन्होंने नहीं पता कि जी तीसरी लेक कितों आ गई चंडीगढ़ दे विच। तीसरी हाँ लेक हैगी है, तो इस वीडियो का मेन जिहड़ा मकसद है वो असी इसलिए बना रहे कि कल असी खड़े गल्ला करते सीगे, अच्छा। सानू एक बंदा मिले सीगा ओ नहीं 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 ओदे बारे नहीं दस दिंदे, सानू अच्छा एक कल एक बंदा मिलिया अच्छा ते उहने सानू पुछया कि मतलब तुसी की होर चीजा मतलब कर पाओगे एक्सप्लोर, है ना, चंडीगढ़ दे की विच कवर कर कि लोगे? मतलब कि सुखना लेक, 42 दी लेक, होर भी बहुत चीजा गणाइया, रोज गार्डन, रोक मैं कह गार्डन। रहा 38 दी लेक क्यों नहीं ते गिनाई असीं तू? बोले भाजी 38 दी लेक तुसीं शायद भुल गए हो, तुसीं गणाई नहीं। मैं कहिंदा 38 दी लेक कित्थों आ गई है? मैं कहा भाजी क्या 38 दी लेक हैगी है, तुहानू दिखावांगे। ते उस दे थाई असीं इत्थे अज आए कि अज 38 दी लेक सब नू दिखा दईए। लगदा नहीं कि असी हाँ कि उन्हां नूं ही दिखाण आए हां। मैनूं तां लगदा है असी तुहानूं सब नूं दिखाण आए हां। शायद हो सकदा है बहुत लोकां ने देखी होएगी, काफी लोगों ने यार इस लेक को देखा होगा, बट पर कईयां ने नहीं देखी हुई है, तो उन्होंने अवेयर करने वास्ते ही आए कि बिल्कुल तीसरी बिल्कुल लेक चंडीगढ़ दे विच हैगी है। मैं बहुत बार आया इत्थे, बट यार मतलब कभी ऐसा वीडियो बनाने का माहौल जहा नहीं बनया। पर कल नूं ऐदां दी गल सुन के ना थोड़ा जहा बड़ा औकड़ लगे यार, तुसी की कवर कर लोगे, है ना? मतलब यार तेनू आप नू नहीं पता और असी की कवर करके दिखा देंगे यार, हाँ आवी की गल है। ए नाले भाजी सॉरी है, असी कोई तुहानू जलील नहीं कर, मतलब जलील ऐदां नहीं दी कर रहे, पर पता की है, सानू तुसी दस्या ना, सानू एक वीडियो बनाने दा सानू भी याद आ गया असी कि एक मोटिवेट हो है, गए। असी भी चीज चलो भुल गए आपां, क्योंकि देखी असी बहुत है, पहला असी वीडियो हाँ नहीं बनांदे हुंदे सीगे, असी हुणी तो यूट्यूब चैनल मतलब आपां ग्रो करन लगे हौली हौली कि आपां वीडियो पावांगे। हाँ पहला साडे कोई एदां दे हुंदे नहीं सीगे कि बिल्कुल हां असी वीडियो पा के रोज चाड़नी इंटरनेट ते, हाँ हुण पण लगे सानू भी इक आइडिया आ गया, फिर ओहदे राही असी आया। तो भाई थोड़ा थैंक यू है सब ते पहले तां बहुत ज्यादा, क्योंकि सानू तुसी दस्या भी हैगी, असी भी भुल गए आ। ते हुण 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 ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करदे आ ते आपां तुहानू दिखांदे आ लेक दे सिनेमैटिक शॉट्स। तो सिनेमैटिक शॉट्स आपने देख ही लिए हैं, आपको पता लग ही गया है कितनी खूबसूरत लेक है ये यहाँ की। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जहाँ पर हम ये चल रहे हैं कि रैंप बनाया हुआ है, एक वॉकिंग रोड बनाई हुई है जैसे यहाँ पे कि चलने के लिए। और अब इस ये जो लेक है दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो जो आप मेरे इस तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर लेक का जो ये पार्ट है, और एक आप जस्ट मेरे उस तरफ देखेंगे एक ये लेक का पार्ट है। तो ये दोनों तरफ से डिवाइडेड है, जहाँ पे हम चल रहे हैं ये सेंटर है। तो जो चंडीगढ़ की सुखना लेक है वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे हम सेंटर में नहीं चल सकते, वो एक अलग लेक है। देखो सबका अलग अलग नजरिया है, अलग अलग चीज है, हर वो लेक है वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। 42 का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो तो फ्लॉप लेक है, बट कोई बात नहीं। ये लेक के जो मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ इधर का क्या है, यहाँ पे जितने भी दोस्तों लाइट सिस्टम है ना, यहाँ पे कोई बिजली अलग से नहीं आती, यहाँ पे सब सोलर सिस्टम के साथ होता है। यहाँ पे सोलर सिस्टम का प्लांट लगा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, मेरे बैक साइड देखो, ये सोलर सिस्टम का प्लांट लगा हुआ है बिल्कुल उस पे। मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखा दूंगा आपको, शायद आपको ना दिख रहा हो यहाँ से। और दोस्तों ये आप सोलर सिस्टम मैंने आपको जूम करके दिखा दिया है, तो बहुत ही जबरदस्त। और आपको पीछे झरने की आवाज सुन रही होगी, तो ये झरने की आवाज आ कहाँ से रही है यार? ये है दोस्तों बिल्कुल मेरे ठीक नीचे, बिल्कुल ठीक सामने ऐसा बहता हुआ झरना यार। मतलब जो वहां का पानी है, डिवाइडर वाला पानी है उस तरफ का, वो यहाँ पे पानी आ रहा है। और ये बहुत ही यार देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, और मतलब बाकी बहुत मजा आ रहा है। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बस हम इसे एंजॉय कर रहे हैं और घूम रहे हैं, और मतलब बहुत ज्यादा शांति है। देखो कोई क्राउडी एरिया नहीं है यहाँ का, बट बहुत मजा आ रहा है यार बिल्कुल। मतलब ऐसा लग रहा है कि वाकई ऐसी जगह पे आ गया यार कि कोई जन्नत ही होगी, क्योंकि मैं यार नेचर से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है। मैं नहीं मानता, सबसे पहली बात, मुझे मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया होगा यार मुझे कि ऐसी ऐसी जगह पे जाना नहीं पसंद जहाँ पे यार बहुत शोर शराबा होता है, कोई लोग हर सबका अपना अपना टेस्ट होता है, हर कोई अपनी अपनी जगह पे जाना पसंद करता है। बट दोस्तों मुझे ऐसी जगह पसंद है जो शांति हो, और मैंने हर पिछली बार भी बोला था ऐसी जगह पे आप ना घूमना कि जहाँ पे जो मुझे पसंद हो। आप अपनी लोकेशन बताना, अपनी नई चीज बताना, मैं हर चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मेरा नया यूट्यूब चैनल है, तो आप इसे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज, तो मेरा भी हौसला खुलता है और मुझे बहुत प्यार मिलता है आपकी तरफ से। तो मैं भी आप ही की तरह यार मतलब ऐसी ऐसी चीजें
कर पाता हूँ, देख पाता हूँ, वीडियोस बना पाता हूँ, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है, बट बहुत ही मजा आ जाता है यार। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, बिल्कुल सामने जो है वो फॉरेस्ट व्यू है यहाँ पे, ये जंगल पड़ते हैं बिल्कुल यहाँ पे धनास के, और यहाँ पे जो पीछे सारा है यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह भी होते हैं, मतलब कोई ना कोई यहाँ से आ जाते हैं इस तरफ। और मोर तो बिल्कुल आम बात है, अगर मुझे दिखेंगे तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, बट मैं कुछ श्योर नहीं उस बारे में, थोड़ा सा मौसम अच्छा होता है तो मोर अक्सर दिख जाते हैं यहाँ पे। तो ये सारा फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पे मैं बिल्कुल यहाँ से ठीक सामने से जा रहा हूँ, और ये जो रोड है और इसके उस तरफ लेके है जो वो पिछले वाला पोर्शन है वो दोस्तों अभी पिछली तरफ ही रह गया है, वो उसका अपना है, वो जो वहाँ का पानी इधर आकर उस लेक में डिवाइड होता जा रहा है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं और कुछ नया दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जितनी भी आप लाइट सिस्टम देख रहे हैं ये सारी सोलर सिस्टम के साथ चलती हैं, तो यहाँ पे कोई भी फालतू किसी बिजली का यूज़ नहीं होता, कोई बिजली वेस्ट नहीं होती, यहाँ पे इनका अपना प्लांट लगा हुआ है, यहीं से ये बिजली बनाकर यहीं पर इसको यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया लगता है यार, मज़ा आ जाता है ऐसी चीज़ें देख कर, दिल को सुकून मिलता है। तो दोस्तों ये है सामने जो सोलर सिस्टम है, 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, जो कि सारी जितनी भी यहाँ पे लाइट्स पॉइंट्स हैं, यहाँ की जो स्ट्रीट कहते हैं, जो यहाँ की लाइट्स पोल हैं, ये सभी इन्हीं से जलते हैं, बिल्कुल यहीं से जो बिजली इनकी पैदा होती है यहीं से ये इसको जलाते हैं और बहुत इसको यूज़ करते हैं यार। मतलब जगह देख ला कि नहीं है ना, शांति वाला इलाका है पूरा, है ना, बिल्कुल शांति भैया है ना, बिल्कुल पीसफुल एरिया है। तेरे पास से ठीक है बग्गे, क्या ले आएगा जिन्होंने लेना है, समझ रहे हो ना आ गई है, वीडियो चल रही है बेटा, हराम ही हो बेटा देखो भाई मैं पहला मैं थोनू सामू कहता मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है कि पहला भी मैं बोलिया कल वीडियो च ऐसे ही बोलता मैं सौ लगे जी मर दी यार मैं सिंगल बंदा। चल कोई ना कोई ना, हौसला रख हौसला रख हो जाएगा सब ठीक। चल और सुनाओ ते किवें हो जी, तुसी सब बहुत वधिया कर रहे हो वीडियो ने एंजॉय, और वीडियो विच बने रहे हो, हिंदी च आना यार, वीडियो में बने रहना और देखना वीडियो को वॉच टिल एंड, तो कुछ नया दिखता है कुछ नया मिलता है तो जरूर आपसे मैं शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा। तो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में हमें भी बहुत मज़ा आता है और दिखाने में भी और देखने में भी, तो इन्हीं चीज़ों का शौक है बस। तो दोस्तों यहाँ पर सुगना लेक की तरह बोटिंग का पूरा अच्छा इंतज़ाम तो नहीं है, बट यहाँ पर बोट्स पड़ी हैं, शायद इन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखी होंगी, बट देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। और जो लेक की एक्चुअल में पहचान होती है ना वो बोटिंग से ही होती है, मतलब जो बोट अगर पड़ी होगी तो देखने में अच्छा लगता है ना, तभी वो एक टूरिस्ट एरिया बन पाता है कि यहाँ पर तभी लोग ज़्यादा आएंगे। और देखो हमारी अवेयरनेस से भी यहाँ पर अगर टूरिज़्म बढ़ता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि चंडीगढ़ का टूरिज़्म बढ़ेगा तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और सामने बत्तख भी आप देखोगे मतलब बहुत प्यारी लग रही है, वो जो दो डक हैं वाइट कलर की, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्या बात है क्या बात है। तो दोस्तों लेक की पहचान बोट से तो होती है और साथ में डक से भी होती है, तो डक भी यहाँ पर दिख रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, ब्लैक डक वाइट डक, बहुत बढ़िया लगा यार यहाँ का माहौल मुझे देखकर। और थोड़ा सा शांतमी है, मतलब मैं कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि किसी का कंपेयर किसी से नहीं है, बट यार 42 वाली लेक का तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है। क्या बोला तूने? तो यार ये सामने फॉरेस्ट है, मैंने सोचा था यार कुछ दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे यार, बहुत अच्छा है, मतलब ये बिल्कुल पीसफुल सा एरिया है और देखने में अच्छा लग रहा है, और हवा भी यार बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि हवा नहीं चल रही, मतलब अगर आपने पर्सनली यार देखो अगर इस एरिया में हो ना तो आप अगर आपने लेक नहीं जाना तो यार ये एरिया भी ठीक है, मतलब टाइम स्पेंड करने लायक है यार, देखो बहुत अच्छी जगह है। और सबसे बड़ी बात तो यार मैं बता दूं कि अगर हम चंडीगढ़ में रहते हैं यार, हम कहीं भी रहते हैं, थोड़ा सा आउटर में भी रहते हैं, तो हमें ना इन अपनी लोकेलिटी के अपने लोकल एरियाज़ के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, नियरेस्ट प्लेसेस के बारे में ना यार पता होना चाहिए कि यार कौन सी जगह कहाँ पे है। मगर मुझे क्यूरियोसिटी होगी तो यार आपको भी होनी चाहिए यार, आप भी देखो यार, मतलब ये मैं कहता हूँ यार वंस यार हर जगह विजिट करना चाहिए यार। बिल्कुल मैंने आपको जैसे कि यार बताया था कुछ ना कुछ तो देखने को मिल ही जाएगा यार, तो क्या बोलूँ यार, मंकी बोलूँ बंदर बोलूँ वानर बोलूँ यही नहीं अभी और सुनिए जय हनुमान भगवान, मतलब बहुत बढ़िया लगा यार, अच्छा लगा, मतलब यार ये भी इन देखो ये हमारी अकेले की जगह नहीं है यार, इन सबकी जगह है, तो मुझे मतलब लगता था यार कैसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ यहाँ पर जानवर यार यहाँ पे 101% होंगे, क्योंकि यार फॉरेस्ट है तो यहाँ नहीं होंगे तो भले कहाँ होंगे यार, मतलब इससे तो ऊपर क्या होगा। ऑलवेज ना पीकॉक भी यहाँ पर मिल जाते हैं, मोर भी यहाँ पर अक्सर मिल जाते हैं देखने को, और अभी आप बिलीव नहीं करोगे थोड़ी देर पहले मुझे उनके पीछे चीखने की जैसे वो साउंड करते हैं वो भी मुझे आवाज़ें सुन रही थी तो इसीलिए मैंने मेरे को थोड़ी सी होप थी यार कि मैं आपको भी दिखाऊंगा। और बाकी हर चीज़ कॉमन नहीं होती और हर चीज़ अनकॉमन भी नहीं होती, कुछ चीज़ें मौके के साथ बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है,
तो आई जस्ट लव द नेचर। हवा किन्नी घैंट जा रही है ना, कितना वधिया मौसम है यार, मतलब मजा आ गया यार। तेरा क्यों मूड है वैसे, ऐसा क्यों लग रहा है? झरना देख के याद आ गया कुछ। की याद आ गया? उदास बस झरना देख के पाया कि हड बीती याद आ जाती है। हड बीती याद ये आई कि वांग झरने के अखां विचों हंझू बहुत पए सी, ते वो गल उस दिन दी है सजना जो वाकई आपां होए सी। यार मौसम बड़ा घेंट है ते व्यू उस तो भी ज्यादा घेंट है, ते मजा आ गया। मतलब आपां बिल्कुल लेक के बिल्कुल हम जस्ट सामने है, तो बस यार मन कर रहा था यार कि नहीं कौशल से यार कुछ सुन लिया जाए, तो मैं तो सुनूंगा सुनूंगा यार, आप लोग भी सुनो तो हो जाए। चलो गाना सुनाने हैं, परसों लिखे सीगा अपने दी लिखे, मतलब फालतू गल्ला नहीं मारते, जो साडे दे बीते वो ज़्यादा लिखते असी। तो कहिंदा शुरू चैटिंगा तो होए गल फोन उत्ते आ गई, आले ने आशकी वाली तां दी जिंद मेरी खा गई, बड़ा कीता सी प्यार तां वी कदर ना पई, मेरी जिंदगी च आके बहुत कुछ तू सिखा गई, जे खरी उतर दी किते अपने वादियां ते, उतर दी खरी किते अपने वादियां ते, ओनू छड कुड़े बेबे दी तू धी बनदी, ओ जेड़ा हाल मेरे नाल कुड़े करके गई है तेरे उत्ते सली लिखनी किताब बनदी, ओ जेड़ा हाल मेरे नाल कुड़े करके गई है तेरे उत्ते सली लिखनी किताब बनदी। कमेंट करके जरूर दस्यो ये गाना कैसा लगा। बहुत बढ़िया लगा, मतलब अगर मेरे ओपिनियन तो जाओ तो बहुत बढ़िया सीगा गाना, और मैं हले वेट कर रहा सी यार होर आवे, तू हले शुरू के तते गाना खत्म। हले हले एक बेरा अपा गाना ना मैं सोच रहा पूरा बना के तैयार करके अपलोड ही करा यूट्यूब पे, पर थोड़ा वेट भी रहनी चाहिए ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सपोर्ट भी है ते अपना फुल अपना प्यार भी है ते बहुत बढ़िया लग्या। पीछे मोर दी हना, मोर इतने सुरीले होंदे आ, उनां दी आवाजां सुन रही है ते शायद मैनूं दिखिया भी है, बट भज जांदे यार इक दम देख के। थोड़ा जिहा बैक एंड ते अगर आपां देखांगे तां फॉरेस्ट व्यू है सारा, गाना बहुत वधिया लगे यार सुन के, मजा आ गया। और योगी दी कमेंट करके दस्यो सारे यार, कौशल दी यार आवाज और लिखित लिखाई यार दोनों बहुत जबरदस्त है यार, मजा आ गया। ते तुसी भी यार जरूर दस्यो कि यार कमेंट करके यार थोनू गाना किदां दा लग्या यार, कि आवाज किदां दी है, कि इनू अगे जाना चाहिदा इसे लाइन दे विच यार नहीं। ते मेरी हिंदी पंजाबी तो यार इन्नी मिक्स कराती, मैं तो आप लोगों के साथ हिंदी में बात करता हूं यार, हुण भाई यार पंजाबी तो बिना गल ही नहीं करदा, ते अपना मतलब अपनी मेरी ऑटोमेटिक यार मेरी पंजाबी निकल जाती है, पर मैं पंजाबी बोलने लग जाता फिर मेरा फ्लो उदा का, क्योंकि फ्लो की गल हुंदी है, क्योंकि जिदा मैं थोड़े नाल गल करदा यार आप हिंदी गल करते हैं, बट क्योंकि मेरे व्यूअर्स मैनू नहीं पता ने यार कि हालांकि मैं यार नवा नवा शुरुआती बंदा, तो थोड़ा प्यार इदा ही रहेगा तो जरूर आप कुछ ना कुछ करा। तो धन्यवाद है जी, मिलते हैं थोड़ा अगली वीडियो के विच, तो बस यार उदास ना हो। नहीं नहीं वीडियो बना रहा सीगा। चल ठीक है फिर आप मिलते हैं अगली वीडियो के। हाँ अगली वीडियो इतो भी ज़्यादा होर वधिया बनावांगे, तो इनू लाइक कमेंट करके यार जरूर दस्या करो। कई बार बंदे ना मैं असी देख रहे जिहड़ा साडा इनसाइट आंदा इहदा वीडियो दा, ते लोकी विजिट तां कर रहे हैं देख रहे हैं पर लाइक कमेंट नहीं करते, कई बिच अद्धे सबसक्राइब कर लैंदे आ, पर वधिया गल है। पर बई कमेंट करके ना जरूर दस्या करो, कोई कमी पेशी होई वह भी दस्या करो, अगली वीडियो च असी इंप्रूव करन दी कोशिश करूंगे। कोई साउंड दे रिलेटेड कोई इशू है, कोई मतलब स्क्रीन च मतलब कोई कलर कुछ हो रहा है, कोई भी इशू कोई लगे सानू कमेंट राही दस दया करो, असी सारे दे कमेंट पढ़ देंगे। अपना इस वीडियो दा यार बेस्ट पार्ट भी अगर दसण नू आपां नू बड़ा अच्छा लगे यार, अगर बेस्ट पार्ट बेस्ट पार्ट मैं थोनू दसदा कमेंट दे अंदर जाके, जेडे भी टाइम अगर तुसी फुल वीडियो देखोगे कोई भी बेस्ट पार्ट लगे उत्थे जाके टाइम ला दिओ कि केड़े समय ते केड़ा सानू क्या लग्या। उपर जिस तरह 20 सेकंड की कोई 20 मिनट की वीडियो बन रही है, 20 मिनट के 15 डॉट डॉट पा के वह एक सैकंड पा दो, ही थोड़ा मैनशन हो जाएगा कमेंट राही, सूँ पता चल जाएगा कि पार्ट थोड़ा बेस्ट लगे, तो जरूर मैनशन करो। बिल्कुल ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, तुम हूँ तक वीडियो नाल जुड़े हुए हो, बड़ा बड़ा धन्यवादी थोड़ा, तो मजा आ गया यार लेक से आके 38 सेक्टर की, तुम भी जरूर विजिट करो, तो बाकी बहुत वधिया एक्सपीरियंस रहा, तो मैं तो यार ऑलवेज गुड, तो मिलते हैं थोड़ा नैक्सट वीडियो के, तद तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ते अपना ख्याल रखियो, ते लव यू सारे।